अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं पजामी का बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले ये बच्ची की है, छोटी बच्ची की पजामी है, तकरीबन 4 से 5 साल की बच्ची की। तो पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से मैंने कटिंग कर ली थी इसकी। ये मुझे इसका थोड़ा सा घेर कम लग रहा था, तो इसमें मैंने पीस डाला है कपड़े का। इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से इसको इसके साथ जोड़ेंगे। इसकी लेंथ तकरीबन है 18 इंचेस। यहाँ पे मैं इसका सेंटर करके यहाँ पे निशान लगाऊंगी तकरीबन 4-4 इंचेस पे। यहाँ से कटिंग करेंगे। इस तरीके से ये देखिए, अब यहाँ से सेंटर में से भी कटिंग कर लेंगे। इस डिज़ाइन में मैं ट्रायंगल्स लगाऊंगी। जब ये पजामी या ट्राउज़र रेडी होगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। घर में पड़े हुए फालतू कपड़े जो थे उनसे मैंने इसमें ट्रायंगल्स लगाने हैं। ये देखिए, हमने एक पाँचे पे, एक साइड पे, 3-3 जगहों पे ये वाले ट्रायंगल्स लगाने हैं। इन कपड़ों से मैं बनाऊंगी। तो ये मैंने कपड़े की कटिंग कर ली है, 2-2 इंचेस है दोनों तरफ से। इस तरीके से इसके ट्रायंगल्स बनाकर यहाँ पे रख के लगाऊंगी। इस तरीके से 4-4 इंचेस पे लगाऊंगी, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के 4 इंचेस का, फिर दोबारा से लगाते जाएंगे। पहले मैं इन ट्रायंगल्स को जोड़ लूँगी। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन बहन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे रख के मैं इस तरीके से लगाऊंगी। कटिंग किया हुआ जो हमने पीस उतारा था वो इसके ऊपर रख के यहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। मैंने ये छोटी बच्ची की शलवार या पजामे पे बनाया है, तो आप इसे अपनी बड़ी शलवार पे भी बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है। 3 इंच के पे मैंने लगाया है, 3 इंच आगे छोड़ के दोबारा से हम 3 इंच पे लगाएंगे। दोनों साइडों पे मैं इसी तरीके से लगा लूँगी, दोनों पाँचों पे। एक पाँचे पे मैंने 3 दफ़ा ये कट्स लगाकर लगाई हैं 3 लाइनों में। बिल्कुल बराबर सा करके इनको लगाना है ताकि देखने में खूबसूरत लगे। यहाँ से हम थोड़ा सा छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ से हमने पैंचे के लिए फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरीके से मैं सारे ट्रायंगल्स को लगा लूँगी। यहाँ पे ये इतनी स्पेस छोड़ के यहाँ तक, तो फिर हम आगे लगाएंगे। पीछे वाली जो लाइन है उसके अपोजिट हम ये वाली लाइन लगाएंगे।
इस तरीके से, ये देखिए। अब इनके ऊपर मैं ये जिग जैग डोरी लगाऊंगी, सिल्वर कलर की है ये, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। ये देखिए, ये मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है, दोनों पैंचे तैयार हो गए हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इस्त्री से अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।